मास्टर एप्लीकेशन के माध्यम से यूट्यूब वीडियो का थंबनेल कैसे बनाए, तो आज की वीडियो में मैं आपको काइंड मास्टर एप्लीकेशन के माध्यम से आपके यूट्यूब चैनल के वीडियो का थंबनेल बनाना स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो को स्किप ना करना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। हेलो एवरीवन, मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हो ट्रस्टेड टेक्नो चैनल। तो आज के वीडियो में मैं आपको काइंड मास्टर के माध्यम से यूट्यूब वीडियो के लिए प्रोफेशनल तरीके से थंबनेल बनाना सिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर। सबसे पहले आपको काइंड मास्टर एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, जो आप प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड करके अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिए। काइंड मास्टर एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद में इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन आएगा। न्यू प्रोजेक्ट के प्लस आइकॉन पर क्लिक करना है, एस्पेक्ट रेशियो 16:9 को सेलेक्ट करना है, फिर आपको क्रिएट पर क्लिक करना है। क्रिएट पर क्लिक करने के बाद में मैं आगे का प्रोसेस करके बताता हूँ। क्रिएट पर क्लिक करने के बाद में मीडिया ब्राउजर का ऑप्शन शो होता है, तो यहाँ पर इमेज असिस्ट पर क्लिक करना है। यहाँ से कोई भी आप मनपसंद बैकग्राउंड ले सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं वाइट बैकग्राउंड को लेता हूँ, फिर क्रॉस पर क्लिक करता हूँ। इसके अलावा अगर आपके गैलरी में कोई भी बैकग्राउंड है तो भी आप बैकग्राउंड को ऐड कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैंने काइंड मास्टर के अंदर का ही बैकग्राउंड ऐड किया है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, लेयर पर क्लिक करना है, टेक्स्ट पर क्लिक करना है और अपने हिसाब से कोई भी टेक्स्ट यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट लिख देता हूँ, फिर आगे का प्रोसेस करके बताता हूँ। यहाँ पर मैंने एक टेक्स्ट यानी टाइप कर दिया है। अब टेक्स्ट का कलर हम चेंज करेंगे, कलर के ऑप्शन पर जाएंगे, ब्लैक कलर को सिलेक्ट करेंगे, फिर ओके करेंगे। यानी मैंने लिखा चना मसाला। अब इसका फॉन्ट हम चेंज करेंगे, डबल ए पर जाएंगे, अपने हिसाब से जो भी फॉन्ट अगर आपको चाहिए। मैं रोबोटो ब्लैक इटालिक को सिलेक्ट करूंगा, फिर ओके करूंगा। ओके करने के बाद में इसी फॉन्ट का हम डुप्लीकेट करेंगे, तो थ्री डॉट पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट पर क्लिक करेंगे तो इसका डुप्लीकेट बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एडिट का ऑप्शन राइट में दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है और इसको एडिट करेंगे। चना मसाला कैसे बनाए, ठीक है, अब ये लिख दिया। अब इसका हम कलर चेंज करेंगे, तो राइट में कलर का ऑप्शन है, कलर पर जाएंगे और यहाँ पर रेड कलर को हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद में तीसरा टेक्स्ट हमको बनाना है, तो यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट पर जाएंगे और इसका एक और डुप्लीकेट बनाएंगे। ठीक है, चना मसाला कैसे बनाए सीखे 2 मिनट में, ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पर राइट में कीबोर्ड का ऑप्शन दिख रहा है एडिट का, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम टाइप करेंगे, तो देखिए तीसरा टेक्स्ट मैंने लिखा सीखे सिर्फ 2 मिनट में, इसको करेंगे ओके। इसका भी टेक्स्ट का साइज़ हम अपने हिसाब से थोड़ा सा कम कर लेंगे और यहाँ पर इसका भी कलर हम चेंज करेंगे, तो कलर के ऑप्शन पर जाएंगे, यहाँ पर कोई भी कलर हम सेलेक्ट करेंगे, ये मैंने फ़िलहाल के लिए ये कलर सेट किया है, फिर ओके करेंगे। अब देखिए चना मसाला कैसे बनाए सीखे 2 मिनट में। अब यहाँ पर चना मसाला का कोई अगर PNG इमेज है तो वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं आप। जैसे लेयर पर जाएंगे, मीडिया पर जाएंगे और एक PNG इमेज यहाँ पर मैं ऐड करके बताता हूँ। अब देखिए मैंने एक PNG इमेज को ऐड कर दिया। आप PNG इमेज को कहीं पर भी हम लगा सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे जैसे मैंने यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, यहाँ पर लगाने के बाद में अब आपको क्या करना है, जैसे और भी अगर कुछ टेक्स्ट डालने हैं तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, और अगर आपको कुछ भी एनिमेट करना है तो भी आप यहाँ से भी कर सकते हो। यहाँ पर बॉर्डर भी लगा सकते हो। ठीक है, अगर बॉर्डर लगाना है तो भी मैं आपको बता देता। जैसे लेयर पर जाएंगे, हैंड राइटिंग में जाएंगे और यहाँ पर पेंसिल के आइकॉन पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर एक रेक्टेंगल जैसा बॉक्स है यहाँ पर क्लिक करेंगे और अपने हिसाब से यहाँ पर हम एक बॉर्डर खींच लेंगे। ठीक है, ये बॉर्डर अब इस अपने हिसाब से बॉर्डर जैसे हमने खींच ली, तो आप बॉर्डर को सही से अलाइन करेंगे इसके बीचों बीच। ठीक है, तो ये देखिए कितना अच्छा प्रोफेशनल तरीके से दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसे का ऐसा आप अपने हिसाब से थंबनेल यहाँ से तैयार कर सकते हैं। जैसे थंबनेल पूरा कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पर लेफ्ट में
स्क्रीनशॉट जैसा आइकॉन दिख रहा था, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कैप्चर एंड सेव पर क्लिक करना है, तो ये कैप्चर हो जाएगा, फिर आप अपने YouTube वीडियो पर लगा सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल पर पहली बार है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस कर देना ताकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और कमाल की ट्रिक्स के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।